माय नेम इज अक्षय कर्मा फ्रॉम प्लस सेकेंड ईयर। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आसान मुश्किल चीज़ों को आसान कैसे बनाया जाता है। जैसे आप इंग्लिश कर रहे हैं, सोशल कर रहे हैं, ईवीएस कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपको कुछ जैसे कि आप मैथ्स कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा टफ लग रही है, तो आप अपनी मनपसंद चीज़ लेके बैठ जाएंगे। इसी वजह अब वो आपको मैथ्स कैसे याद होगी बताइए मुझे, याद हो पाएगी मुझे नहीं, तो आप उससे मत याद कीजिए जो आपको आता है, उसे याद कीजिए जो आपको नहीं आता, वरना आप कुछ कर नहीं पाएंगे, पेपर में हार जाएंगे, सब कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जैसे कि कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ भी, तो आप प्रैक्टिस 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 करते रहो, वरना आप क्या बनोगे, कुछ नहीं बन पाओगे, आप जीरो बन पाओगे। इसलिए आप बिल्कुल मत डरो और सारा काम करो। तो होता क्या, हम उसको छोड़ देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पढ़े तो पढ़े कैसे, इसकी मैथ्स है, आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, एंड डिवाइड एडिशन नहीं आ रहा, सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, ये सम्स नहीं आ रहे, सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा आपको, तो आप उसे एक बार में करके छोड़ देंगे नहीं, तो आपको प्रैक्टिस 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 करे जाना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको आएगी वो चीज नहीं, तो आपको प्रैक्टिस 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 करते रहना है। अब आप ईवीएस में लेते हैं, अगर आपको ईवीएस के वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स कुछ याद नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, फर्स्ट वाला बहुत मुश्किल है तो सेकंड वाला इजी है, पहले आप इजी सारे याद कर लो, फिर बार बार उससे उसको याद करो जो सही है, मतलब जो भारी है, टफ है, उसे याद करते जाओ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।